everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be doing the chapter Indigo by Louis Fisher. Indigo एक ऐसा chapter है जो आपके 12th में बहुत importance hold करता है. काफी बड़ा chapter है, different episodes हैं, different characters हैं, बढ़िया chapter है, मजा आएगा पढ़ने में. So without wasting any time, let's get to the chapter straight away. हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. दो तीन पॉइंट्स हैं चैप्टर के, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, पर्सनल क्लेनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. तो इन्हीं चार पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर घूमेगा. चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, चैप्टर बेस्ड है लुइस फिशर की जो मीटिंग थी विद महात्मा गांधी इन 1942. सेवाग्राम आश्रम में लुइस फिशर मिलते हैं उनसे, और वहां पे गांधी बताते हैं कि भाई क्या रीजन था कि इंडिया ने ये ठान ली थी कि अब हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए. रीजन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमारा एक चला था 1917 के आसपास, उसी के टाइम जोन के अराउंड ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी. तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी लखनऊ में है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन के लिए. वहां पे एक पीजेंट आता है राजकुमार शुक्ला नाम का, जो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज चंपारण चले मेरे साथ. वहां पे किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड्स वहां के अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, आप प्लीज उसके अगेंस्ट चल के आवाज उठाएं. अब महात्मा गांधी बीइंग अ बिजी मैन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस बात पे. उनको लगता है कि लाइक ऑल अदर पीपल ये भी आया होगा अपनी कोई प्रॉब्लम लेके छोटी मोटी, पर इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं. तो महात्मा गांधी बहुत दिन उसको यूं ही इग्नोर करते रहते हैं, उसको टालते रहते हैं उस बात को, लेकिन राजकुमार शुक्ला हिम्मत नहीं हारता है. ही वॉज वेरी डिटर्मिंड, वो लगा रहता है गांधी जी के पीछे. और एक दिन गांधी जी को बहुत लगता है कि यार ये बंदे में कोई तो बात है, इसमें इसकी स्टोरी में कोई तो सच्चाई है. और वो इम्प्रेस होके बोलते हैं कि ठीक है मुझे कैलकटा में मिलो, वहां पे मेरी एक कन्वेंशन मीटिंग है, वहां पे एक मीटिंग है मेरी, उसके बाद में मुझे लेके चलो चंपारण. राजकुमार शुक्ला को डेट मिल जाती है एक, और वो खुश होके गांधी जी को लेने के लिए पहुंच जाता है कैलकटा. अब चंपारण के रास्ते में जाने से पहले वो पहुंचते हैं पटना. पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पटना ने इन द ब्रिटिश रूल. पटना पहुंचते हैं, वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर होता है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज वी नो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो वहां पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पे. राजेंद्र प्रसाद नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों को घर में एंट्री मिल जाती है. हालांकि जो सर्वेंट्स होते हैं वो महात्मा गांधी को एक अनटचेबल समझते हैं. अनटचेबिलिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिवेल करती थी, और ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि महात्मा गांधी के कपड़े बहुत सिंपल थे. एक खादी धोती पहना हुआ आदमी गरीबी लगेगा, तो वो महात्मा गांधी को कुएं से पानी लेने से मना कर देते हैं. इसके बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है जब, तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला चंपारण जाने के रास्ते में मुजफ्फरपुर रुकते हैं. मुजफ्फरपुर इज अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. वहां पे प्रोफेसर जे बी कृपलानी अपने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में महात्मा गांधी को वेलकम करने आते हैं. और उसके बाद में महात्मा गांधी प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं. उस टाइम पे एडवोकेट्स फॉर होम रूल करके एक लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट कर रखा था, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को अपने घर पे रखता है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाता है या फिर जो फ्रीडम के लिए लड़ता है, तो इस केस में वो आदमी जिसने अपने घर पे रखा हुआ है उस इंसान को, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा इस क्रिमिनल एक्शन के लिए. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी टेररिस्ट को अपने घर पे रख लो तो जो धाराएं जो सेक्शंस आप पे लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे लगा करता था. मलकानी, प्रोफेसर मलकानी, जेबी कृपलानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, और वहां पे जब पता चलता है बाकी लॉयर्स को कि महात्मा गांधी आए हैं, तो वो लोग भी पहुंचते हैं. वो लोग आके बताते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या है, पूरी कंडीशन क्या है, और महात्मा गांधी अच्छे से रिसर्च करते हैं. जब उनको पता चलता है कि ये लॉयर्स इतनी ज्यादा फी ले रहे हैं उन किसानों से, तो उनको डांट भी पड़ती है महात्मा गांधी से. महात्मा गांधी उनको समझाते हैं कि यार तुम लोग इनके साथ में रहते हो, इनके एरिया में रहते हो, इन्हीं के शहर के रहने वाले हो, और तुम ही लोग इनसे इतना पैसा वसूल रहे हो, तो फिर ये लोग क्या उम्मीद करेंगे. खैर स्टोरी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि पूरा मैटर क्या है. मैटर ये है कि जो इंडिगो एक क्रॉप थी उस टाइम की, जिसे कैश क्रॉप भी कहा जाता था, इंडिगो एक बहुत क्रूशियल क्रॉप थी, और ब्रिटिशर्स को इंडिगो की बहुत रिक्वायरमेंट होती थी. तो वो क्या करते थे, जो जमीनें उनके पास में थी, बहुत ज्यादा एस्टेट्स थे ब्रिटिशर्स के पास में,
वो अपनी जमीनें इंडियन किसानों को दिया करते थे किराए पे। कंडीशन ये थी कि आप लोग 15% होल्डिंग्स पे इंडिगो उगाओगे और जो इंडिगो आप उगाओगे वो इंडिगो आप किराए के तौर पे ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा हैंड ओवर कर दोगे, आपको उसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब जब तक ये चलता रहा तब तक चलता रहा, लेकिन एक टाइम आया जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। सिंथेटिक इंडिगो बनने के बाद में अंग्रेजों को लगा कि यार अब हमें इनकी क्या जरूरत, हम सिंथेटिक इंडिगो परचेज कर सकते हैं सीधे जर्मनी से, तो फिर हम ये पूरे साल अपनी माथापच्ची क्यों करें कि यहाँ पे फसल उगवाए फिर उसको कटवाए फिर उसको लेके जाए उसको इंडिगो में कन्वर्ट करें, ये सब करने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसानों को बोला कि भाई हम ये अग्रीमेंट खत्म कर देंगे 15% वाला, लेकिन अगर तुम इससे आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। कुछ किसान थे जिनको बेचारों को नॉलेज नहीं थी, उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक्चुअल रीजन क्या है इस एग्जेम्पशन के पीछे, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए। अब अंग्रेज थे, दादागिरी चलती थी उनकी, तो उन्होंने पैसे तो वापस नहीं किए, जिन्होंने ज्यादा बोला उनको पिटाई भी करवाई, उनकी गुंडे रख लिए, गुंडे हायर कर लिए, उनको पिटवाया, उनको धमकाया ताकि वो लोग पीछे हट जाएं। और यही इनजस्टिस थी जिसके अगेंस्ट राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के पास आया था। अब महात्मा गांधी की इंटरफेरेंस शुरू होती है पूरे मैटर में। महात्मा गांधी बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एजुकेटेड मैन, यूं ही लड़ने नहीं पहुंच जाते हैं, वो पहले सबूत इकट्ठा करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए वो जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके पास में। वहां पे उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वो जाते हैं हमारे जो तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे उनके पास में, वहां भी उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है और उनको वहां से जाने के लिए बोल दिया जाता है। हालांकि महात्मा गांधी बीइंग अ स्टबर्न मैन, जिद्दी थे, वो एक दिन एक उन्हें खबर मिलती है कि एक किसान है जो काफी परेशान है, तो वो उससे मिलने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आता है जो आके उन्हें बोलता है कि आपको ऑर्डर्स हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते और आपको अभी के अभी यहाँ से वापस लौटने के लिए बोला गया है। महात्मा गांधी ने वो ऑर्डर लिया, उस पर साइन किए और नीचे लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर का पालन नहीं करूंगा, आई वुड डिसओबे द ऑर्डर। अब उस टाइम पे ये लिखना एक बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेजों की बात को ना मानना वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वही हुआ, अगले दिन महात्मा गांधी को कोर्ट में समन किया गया, बुलाया गया। कोर्ट जाने से एक रात पहले महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम किए, उन्होंने एक मैसेज भेजा राजेंद्र प्रसाद को कि कल तुम कोर्ट रूम के बाहर पहुंचना अपने कुछ ऐसे दोस्तों को लेके जिनकी बहुत इन्फ्लुएंस हो, जिनकी बहुत जान पहचान हो। दूसरा मैसेज गया उनके आश्रम में, उन्होंने सब कुछ इन्फॉर्म किया, उन्होंने सब कुछ बोला कि भाई ये चीजें कर लो क्योंकि मैं अभी कुछ दिन नहीं आऊंगा। तीसरा जो हमारा मैसेज गया वो गया वाइस रॉय के पास में। अब ये तीन मैसेज उन्होंने भेज दिए तीन जगहों पे। और अगले दिन जब कोर्ट हाउस पहुंचे तो कोर्ट हाउस के अंदर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कोर्ट हाउस के बाहर हजारों की तादाद में पीजेंट्स पहुंच चुके थे। इतने किसान, उनको ये नहीं मालूम था कि महात्मा गांधी कौन है, उनको सिर्फ ये पता था कि हमारे लिए एक आदमी आया है जो हमारे लिए लड़ना चाहता है, हमारे लिए इंसाफ मांग रहा है। और बस ये बात उन सबको खींच के ले आई उस कोर्ट हाउस के बाहर। जब इतने किसान देखे तो ब्रिटिश अथॉरिटी की सांस अटक गई, उनको लगा कि अगर ये हम पे चढ़े, अगर इन्होंने हम पे हमारी तरफ प्रोसीड किया तो हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। हजारों की भीड़ में अगर तुम गोली भी चलाओगे तो 10, 15, 20, 30 कितनी चला लोगे। उस टाइम की तो राइफल्स भी वही होती थी, पाउडर को भर के लोड करनी होती थी, टाइम लगता था रिलोडिंग में, ऑटोमेटिक वेपन्स तो थे नहीं। अगर नहीं संभाल पाते तो सब मारे जाते, उनको ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने बहुत डर के इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया और इतना दिमाग लगाया कि इस ट्रायल को पोस्टपोन करने की कोशिश करी। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया, वो जानते थे अगर आज ये पोस्टपोन हो गया तो ये किसान फिर दोबारा शायद से ना आ पाए और ये जो हम जीतने वाले हैं ये जीत हमारी शायद से टल जाएगी। जो मैजिस्ट्रेट था, जो जज था, उसने बोला कि भाई जो सेंटेंस है वो सुनाई जाएगी 2 घंटे के रिसेस के बाद में। और उस 2 घंटे के बीच में उसने महात्मा गांधी से बोला कि आप एक बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको बेल मिल जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया। तो वो भी कम नहीं था, उसने क्या किया, उसने बिना बेल के ही उनको रिलीज कर दिया और ये बोला
कि जजमेंट आने वाले कुछ दिनों तक नहीं सुनाया जाएगा, तब तक महात्मा गांधी आजादी से बाहर घूम सकते हैं। महात्मा गांधी की इतनी इन्फ्लुएंस थी कि अंग्रेजों ने उनको बुलाया बाहर कि आप आके क्राउड को समझाइए और इनको बोलिए कि ये वापस जाए। इतनी इन्फ्लुएंस थी महात्मा गांधी की उस टाइम। खैर, ये एक जीत थी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसके बाद में कहानी रुकती नहीं है, कहानी आगे बढ़ती है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मजहरुल हक और कई सारे नामचीन लॉयर्स, इन्होंने साथ मिलके ऑलमोस्ट 10,000 पीजेंट्स के स्टेटमेंट लिए। बहुत बड़ी बात है 10,000 पीजेंट्स के स्टेटमेंट लेना। स्टेटमेंट लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और कोशिश करते रहे कि और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सकें। इस दौरान जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनको लग रहा था कि हमारे साथ में गलत हो रहा है। और तभी सर एडवर्ड गेट, जो उस टाइम के हमारे ल्यूटेनेंट थे, उन्होंने महात्मा गांधी को समन किया, बुलाया, उनको बुलाया। और उसके बाद इन दोनों के बीच में 4 इंटरव्यूज हुए, जिसमें महात्मा गांधी वॉज एबल टू कन्विंस सर एडवर्ड गेट कि एक कमीशन इंक्वायरी बनाई जाए जो इस पूरे मैटर पे जांच करे, जो इस पूरे जो मैटर था इसको इन्वेस्टिगेट करे और एक नतीजे पे पहुंचे। ऐसा ही हुआ, एक इंक्वायरी बनी। इंक्वायरी में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए अकेले महात्मा गांधी थे, वन मैन आर्मी। अब इंक्वायरी में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका मोटिव क्या था? उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी रिफंड के लिए बोलेंगे, जो पैसे किसानों ने हमें दिए हैं उसका रिफंड मांगेंगे, हम मना कर देंगे, मैटर खत्म होगा ही नहीं और ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। महात्मा गांधी ने पहले कोर्ट किया 50% रिफंड, साफ मना कर दिया गया कि हम नहीं दे पाएंगे। सामने से एक कोर्ट आई कि हम 25% रिफंड देंगे। अब उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी मना कर देंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। He said yes to the 25% refund। और उस पॉइंट पे सबको बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि यार इतने कम में क्यों मान गए। लेकिन महात्मा गांधी का पॉइंट ये नहीं था कि इतने कम में क्यों माने, महात्मा गांधी का पॉइंट ये था कि यहाँ पे पैसे जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी है ये बात प्रूफ करना कि अंग्रेजों को लेके जो डर है किसानों के अंदर, जो फियर है, उससे आजाद कराना बहुत जरूरी है इन सभी लोगों को। ये बात प्रूफ करनी जरूरी है कि अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, एक साथ मिलके चले, तो अंग्रेज भी हमारे सामने सरेंडर कर देंगे, उनकी भी हमारे सामने कोई वैल्यू या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस बीच जितने लॉयर्स थे, लॉयर्स से महात्मा गांधी ने पूछा था, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रिजकिशोर बाबू हो गए, कि भाई अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम क्या करोगे? उन्होंने बोला कि हम भी अपने वापस लौट जाएंगे घरों के लिए, क्योंकि आप नहीं होगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने उनको समझाया कि नहीं, ये ड्यूटी तुम्हारी भी है कि तुम इन सब गरीब किसानों के लिए आवाज उठाओ, और तुम भी इन सबके साथ रहते हो, तुम भी इन्हीं में से एक हो, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम इनके लिए लड़ो। उन सबको समझ में आया और वो सब भी तैयार हो गए महात्मा गांधी के साथ जेल जाने के लिए। महात्मा गांधी ने इस बीच अलग अलग मैनेजमेंट्स किए, अलग अलग प्लान्स बनाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। और उनका पूरा प्लान था कि वो जेल जाएंगे, उसके बाद में जेल जाने के बाद बाहर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलेगा। खैर, जेल जाने की नौबत तो नहीं आई। जब 25% रिफंड्स के लिए वो मान गए तो सभी इंडियंस के दिमाग में एक बात आ गई कि अंग्रेजों को भी झुकाया जा सकता है अगर हम सब एक साथ लड़े तो। स्टोरी का ये पार्ट तो था कि जब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जीत नहीं लिया गया। लेकिन इसके बाद में एक और पार्ट है, जब महात्मा गांधी को लगा कि चंपारण में सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन करना ही काफी नहीं है, यहाँ पे लोगों को बहुत जरूरत है पर्सनल हाइजीन को समझने की, सैनिटेशन को समझने की। आज के टाइम में आप इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान जो देखते हो, ये आज का नहीं है, ये 1917-1918 में महात्मा गांधी की जो वाइफ थी कस्तूरबाई, उन्होंने ही कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया था। चंपारण के अंदर 6 अलग अलग गांव में स्कूल्स बनाए गए। स्कूल्स में जो महात्मा गांधी के डिसाइपल्स थे, जो शिष्य थे, वो एज टीचर्स आके पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। कस्तूरबाई ने पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी सैनिटेशन के ऊपर काफी अवेयर किया लोगों को, उनको समझाया कि साफ सुथराई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों साफ रहना चाहिए, आसपास की जगहों को क्यों साफ रखना चाहिए। डॉक्टर भी बुलाए गए जिन्होंने आके एक चैरिटी के तौर पे फ्री में इलाज करना शुरू किया लोगों का। उस टाइम पे कई सारी बीमारियां थी, फंगल इन्फेक्शन थे, मलेरिया था, इन सबके इलाज किए गए लोगों के लिए ताकि लोगों की लाइफ अच्छी हो सके।
इन सब तरीकों से महात्मा गांधी ने और उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने, उनके डिसाइपल्स ने सोसाइटी को रिफॉर्म किया, चंपारण को रिफॉर्म किया और वहां के लोगों की लाइफ इंप्रूव करी। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने हम सबको सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। एक नाम है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फॉलोअर था, एक पैसिफिस्ट था। पैसिफिस्ट माने वो इंसान जिसको जंग, लड़ाई इन सबसे बहुत नफरत है, बहुत दूर रहता है इन सब चीजों से। तो चार्ल्स एंड्रयूज इंडिया में था और महात्मा गांधी से मिलना चाह रहा था जाने से पहले। तो इनके साथियों ने बोला, सारे लॉयर्स ने बोला कि अगर हम इसको अपने साथ मिला लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज जाएगा इंडियंस के लिए कि भाई देखो, अंग्रेजों में से एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी इस बात के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला नहीं, हम किसी और को अपनी शील्ड बना के या अपना कवर बना के अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हर एक इंडियन अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे, अपना काम खुद करना सीखे, इंडिपेंडेंट बनना सीखे। और इसीलिए उन्होंने चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज से मदद लेने से मना कर दिया। एंड दैट इज हाउ ही टॉट अस ऑल अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, अ लेसन विच इज टिल डेट बीइंग फॉलोड बाय द कंट्री, by the politicians, by the people of this country, and by every citizen who wants to lead a good life. So that was it in the chapter. I hope you understood the chapter. If you did, please tell me in the comment section. Aur aap sabka itna pyar mil raha hai. I'm so thankful for that. Please give me the love and the support. I really need it. Main laata rahunga aapke liye is tarah ke aur videos. Main apna pura kaam karunga acche se, imandari se. आप सब बस प्लीज जुड़े रहना मेरे साथ में विद दिस चैनल एंड वी विल मेक श्योर कि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए। आई सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।